वेलकम बैक टू। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से हमने ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में रीड आउट करना है। एक पार्ट में प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स के बारे में एंड द सेकंड वन डील्स विद द एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट लास्ट हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक में अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर मैंने बात की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो आज हम सीखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि नाम पता चल रहा है रिकॉम्बिनेंट, तो मैंने बोला था रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कोई चीज जो है दोबारा से जुड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलोअप करने पड़ेंगे। अगर हमें कोई चीज जो है प्रोसीड करनी है, तो सबसे पहली चीज हमें उसके लिए कुछ टूल्स और कुछ मैकेनिज्म्स चाहिए होंगे। तो वो टूल्स क्या हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले हम वो सीखेंगे। देन हम सीखेंगे कि हम इस चीज को साथ साथ करते किस तरीके से। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमें जो प्रोसीड करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज चाहिए हमें आइसोलेशन करवाना। तो सबसे पहली चीज है आइसोलेट करवाना किसको, जो भी हमारा डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए है उसकी फ्रेगमेंट को हमें बाहर निकालना है। तो सबसे पहले एक हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट दैट ऑर्गेनिज्म। वो किया, आफ्टर दैट हमें जो है कुछ पर्टिकुलरली टूल्स चाहिए जिसके थ्रू जो है हम वो पीस ऑफ डीएनए को क्या करेंगे, कट आउट करके निकालेंगे। सेकंड वन इज द डीएनए फ्रेगमेंटेशन को यूज कट करेंगे बाय यूजिंग दिस आरई। आरई मालूम है सबको, कट करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही यहां से नाम याद रखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडर न्यूक्लियस, दैट इज द आरई। देन उस चीज को हमें लाइगेट करना है, जोड़ना है वापस, फिर जाकर हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसको हम क्या करवाएंगे, ट्रांसफर, देन कल्चर करवाएंगे, और उससे जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, देन हम उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट को हम क्या करवाएंगे, बाहर निकालेंगे। क्लियर? तो ये स्टेप्स हमें फॉलोअप करने पड़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा इसके लिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज ये मेरा डीएनए है, दिस इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, ये मेरी डीएनए की फ्रेगमेंट है। मैं चाहती हूं कि ये पार्ट वाला जीन जो है, इतना वाला जीन जो है, मैं इसको कट आउट करके बाहर निकालूं। मे बी ये इतना अच्छा जीन है कि मैं चाहती हूं कि मैं एक, जैसे इंसुलिन की बात कर लेते हैं, इंसुलिन समझ लेते हैं इसको, कि ये वो जीन है जिससे बेटर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो हमने ये जीन उठाया और हमने इंसर्ट करवा देना है। इंसर्ट करवाएंगे हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको कट करके निकालूंगी। तो कट करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, सीजर। तो वो सीजर जो होगी वो इसको कट करके निकाल लेंगे। ठीक है, आगे मेरे पास ये पीस डीएनए का या जीन जिसको बोल रही हूं आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगी, किसी वेक्टर में ऐड करूंगी। That means, कोई एक ऐसा कैरियर चाहिए मुझे जो इसको क्या कर ले, हमारे इस होस्ट में पहुंचा दे। हमें एक सफर शुरू करना है, यहां से हमारी डेस्टिनेशन जो है वो कहां पर है, होस्ट पे। जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द जीन। तो हम यहां से निकलेंगे, जैसे आपको कोई जर्नी तय करनी है, किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आप कोई ना कोई व्हीकल जो है वो लोगे जिसके थ्रू आप वहां तक पहुंच पाओगे अपनी डेस्टिनेशन तक। वैसे ही हमारा जो जीन है, दैट मींस जो पीस ऑफ डीएनए है, क्या बोल सकते हो आप इसको, अ पीस ऑफ डिजायर्ड डीएनए, क्योंकि हम अपनी मनपसंद के हिसाब से ले रहे हैं। इसको मैं किसमें डाल रही हूँ, किसी गाड़ी में जाना है हमें, तो दैट मींस उसकी कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी कि बंदे कितने लेके जाने हैं, उसके हिसाब से हम गाड़ी हायर करते हैं। सेम जीन जो है, फ्रेगमेंट कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, डिपेंड करता है कि हम वेक्टर कैसा चुनेंगे। तो ये जो वेक्टर है, यूजली हम वेक्टर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम क्या, प्लाज्मिड। और जैसे कि आपको पता है इस प्लाज्मिड के बारे में कि प्लाज्मिड जो है ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो हमें मोस्टली प्रोकैरियोटिक्स में क्या है, दिखता है। इसके कुछ बेटर फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब
सीजर हमें एक ऐसी चाहिए जो यहाँ पर भी कट करे और साथ साथ जो है वो सीजर जो है वो यहाँ पर भी क्या करे, इस फ्रेगमेंट को भी कट करके बाहर निकाले। अब वो इस फ्रेगमेंट को जब कट करके बाहर निकालेगी, फ्रेगमेंट कट करके आई बाहर, तो क्या होगा देखते हैं। देखो क्या बोला मैंने, ये हमारा पीस ऑफ डीएनए है, इसमें से ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस पोर्शन को मैंने क्या किया बाहर निकाला। दूसरी तरफ मेरे पास है क्या, ये प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में भी, इसका मतलब जो सीजर चाहिए मुझे सेम सीक्वेंस पे, वो उसको भी यहाँ पे क्या कर दे, कट कर दे। अगर ये इसको कट करेगी तो ये प्लाज्मिड कैसा हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन इसका फ्री है। हम ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, हम क्या चाहते हैं, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसमें क्या हो जाए, इंसर्ट। ठीक है, तो जो नया बनेगा हमारे पास वो किस तरीके से बनेगा, ये आ गया हमारे पास, और इसमें इंसर्शन करवा देनी हमने किसकी, तो बन गया। ये क्या था हमारा जीन, ये क्या है हमारे पास प्लाज्मिड, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेक्टर। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन अ पीस ऑफ डीएनए या व्हेन अ पीस ऑफ जीन इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड, तो मन पसंदीदा हुआ। अब यहां पर दोनों चीजें आकर क्या हो गई, रिकम्बाइन। रिकम्बाइन करके जो हमारे पास नया बना, इसको हम बोलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट। तो सिंपल सी बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ हमारे पास, जहां पे हम अ पीस ऑफ डीएनए, अब वो पीस ऑफ डीएनए के लिए एनसीईआरटी में टर्म लिखी हुई है, इट्स एलियन डीएनए, इट्स फॉरेन डीएनए। क्यों फॉरेन, क्यों, क्योंकि बाहर से लिया हुआ है हमने, एलियन भी सेम इसी वजह से हमने बोला है इसको, इसको हम इंसर्ट करवा रहे हैं किसी वेक्टर में, जहां पे हमने वो सामान लोड करवाया और उसको हम बेच रहे हैं, वो सामान लोड करके सेंड किया, कहां पे पहुंचाना चाहते हैं, होस्ट पे। लेकिन उससे पहले जो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना, अ पीस ऑफ डीएनए प्लस वेक्टर, इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये हमें समझ आ गई यहां तक कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। अब हम आगे जानेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम कौन से टूल सबसे पहले हमें चाहिए, ताकि हम इस चीज को आगे क्या कर सके, फर्दर कैरी ऑन कर सके। तो सबसे पहली चीज देखो क्या है, ये तो समझ आ गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, लेकिन टेक्निक के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए होंगी, सबसे पहले जो हमारा डिजायर डीएनए है वो किसी ऑर्गेनिज्म में होगा, क्लियर है। अब किसी ऑर्गेनिज्म में अगर है वो डीएनए हमारा, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहली चीज है, वी रिक्वायर दिस फॉर द एंजाइम्स, पहली चीज। फिर मैंने बोलना था वेक्टर, होस्ट, एंड देन फॉर द बायोरिएक्टर्स हमें चाहिए, ताकि हम उसको कमर्शियल लार्ज स्केल पर, ठीक है, कमर्शियली उसको प्रोड्यूस करें ऑन अ लार्ज स्केल, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। तो जो सबसे पहला हमें एंजाइम्स चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, ताकि जो है हम उस डीएनए का पीस जो है, डिजायर्ड डीएनए का पीस कट आउट करके बाहर निकाल सके, तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए, वो चाहिए हमें क्या, यहाँ पर एंजाइम्स। और एंजाइम्स ये हमारे पास यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ एंजाइम्स हमें चाहिए उसको कट करने के लिए, और कुछ एंजाइम्स चाहिए हमें उस चीज को जोड़ने के लिए। तो पहली एंजाइम्स का जो सेट है, दैट इज द लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग मींस कट आउट करने के लिए, लाइसिंग का मतलब क्या हो गया, जो हमें एंजाइम्स किसके लिए चाहिए, कटिंग के लिए चाहिए। तो कटिंग के लिए जो हमें यहाँ पे एंजाइम्स चाहिए, वो कौन सी एंजाइम्स होंगी, दैट कॉल्ड एज द लाइसिंग एंजाइम्स। अब मैं बात करती हूँ, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से हम उसको निकाल रहे हैं डिपेंड करता है उसके पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ अभी एक प्लांट सेल की, जिससे मैंने डिजायर डीएनए अपना निकालना है, सेल वॉल होगी इसमें, बाहर अगर देखोगे बाहर क्या होगी, इसके आगे पीछे
सेल वॉल, और अंदर मिलेगी हमें क्या, सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास यहां पर जो है न्यूक्लियस में होगा क्या, हमारा जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब हमें यहां से डीएनए निकालना है, सेल से निकालना है ना सेलुलर लेवल पर, तो पहले हमें इरोड करनी पड़ेगी उसकी सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है और उसकी कॉम्पोजिशन किस टाइप की है, उस तरीके से हम एंजाइम्स जो है वो यूज करेंगे। और अगर मैं बात करूं ओल्ड जो हमारा पास सुफिक्स हम यूज करते थे एंजाइम्स के लिए, वो हम यूज करते थे क्या, एस। लास्ट में जिसके एस लिखा होता था हम समझ आते हैं कि वो किसकी बात कर रहा है, एंजाइम्स की बात कर रहा है। अब यहां पर मैं सबसे पहली बात कर रही हूं किसकी, प्लांट सेल की। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। इसका मतलब ये है कि सेलुलोज के लिए जो एंजाइम्स चाहिए हमें, वो चाहिए कौन सी, सेलुलोज के लिए सेलुलेज। क्लियर। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, वो हमें मालूम है किसकी बनी होती है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। तो लिपिड्स के लिए लाइपेज और प्रोटीन के लिए प्रोटीएसिस एंजाइम। ठीक है, तो पहली चीज समझ आ गई हमें कि अगर वो प्लांट सेल होगा तो उसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी, सेलुलोज के लिए सेलुलेज एंजाइम हम यूज करेंगे, और सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है बाय लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है, साथ में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, तो लिपिड्स के लिए लाइपेज और प्रोटीन के लिए प्रोटीएसिस एंजाइम्स। अगर ऑर्गेनिज्म जो है अब प्लांट सेल ना होकर के कोई फंगस हो, तो अगर कोई हमारे पास जो है क्या होगी, फंगी होगी अगर कोई, तो हमें मालूम है फंगी की कॉम्पोजिशन सेल वॉल की किसकी है, काइटिन की। काइटिन होगा तो एंजाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, काइटिनेस। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास जो है सेल वॉल, अब सेल वॉल एनिमल सेल में तो है ही नहीं, एनिमल में हमारे पास डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन मिलेगी तो वो इतने काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कौन सी एंजाइम्स यूज होंगी। अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं लाइजो एंजाइम। क्लियर। सबसे पहली चीज क्या बोली, सबसे पहला स्टेप हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, जिस भी ऑर्गेनिज्म से हम पीस ऑफ डीएनए, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए हम चाहते हैं, सबसे पहले वहां तक पहुंचने के लिए हमें उसकी सेल वॉल अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा। अगर वो प्लांट सेल है तो सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए, और अगर हमारे पास फंगी है तो काइटिन होगा कंपोजिशन, तो काइटिनेस यूज करेंगे, बैक्टीरिया होगा तो लाइसोजाइम। और अगर सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, सब में हमें सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए हम यूज क्या करेंगे, लाइपेसिस एंड प्रोटीएसिस। तो ये हुई एक कैटेगरी एंजाइम्स की, दैट इज द लाइसिंग एंजाइम्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस डीएनए तक कैसे पहुंचे, ऐसी कौन सी एंजाइम्स हैं जो हमारे पास, अगर वहां आरएनए भी जुड़ा होगा आरएनए को कैसे अलग करें, और जो डिजायर्ड डीएनए है उसके लिए हम ऐसी कौन सी पूलिंग करें जिसकी वजह से हम वो डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो बनिए रहिए हमारे साथ ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में ये जान सके कि ये प्रोसीजर किस तरीके से कैरी आउट होता है। थैंक यू।